बारहवीं विषय हिंदी आरोह भाग दो की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है काव्य खंड और आज हम रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय को पढ़ेंगे और उनके द्वारा रचित जो रचना है कैमरे में बंद अपान इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज कवि परिचय रघुवीर सहाय जी। जन्म 9 दिसंबर 1929 मृत्यु 3 दिसंबर 1990। जीवन परिचय रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ और इनको मृत्यु 30 इनकी जो मृत्यु है वह 30 दिसंबर 1990 को हुई। शिक्षा 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में भी किया और 1940 से ही साहित्य सृजन करने लगे। व्यक्तित्व रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण स्थान में उनके साहित्य में पत्रकारिता का और पत्रकारिता पर साहित्य का गहरा असर दिखाई पड़ता है। इनकी कविता मानव संबंधों की खोज करती है, जिन आशाओं और सपनों से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी उन्हें साकार करने में जो बाधाएं आ रही हूँ उनका निरंतर विरोध करना उनका रचनात्मक लक्ष्य रहा। रचनाएं सीढ़ियों का झूठ, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए। भाषा शैली रघुवीर सहाय की अपनी भाषा शैली है। उनकी भाषा सरल साफ सुथरी एवं सदी हुई है। उनकी भाषा शहरी होते हुए भी सहज व्यवहार वाली है, सजावट की वस्तु नहीं है। रघुवीर सहाय आधुनिक काव्य भाषा के मुहावरों को पकड़ने में अत्यंत कुशल है। मातमी कुशाल और व्यंग एवं खुरदुरी मुस्कान उनकी कविता के गुण है। छंदानुशासन के लिहाज से वे अनुपम है। साहित्य में स्थान 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। नवभारत टाइम्स दिल्ली के नवभारत टाइम्स दिल्ली में विशेष संवाददाता रहे हैं और 1969 से 1982 तक प्रधान संपादक भी रहे। 1982 से 1990 तक स्वतंत्र लेखन किया और कवि होने के साथ साथ निबंध लेखक कथाकार तथा आलोचक रहे। इस प्रकार ये जो मैं आपको मैंने पढ़ाया वह है रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। मानवीय संवेदनाओं से परे व्यवसायिकता से वशीभूत दूरदर्शन कर्मियों की अमानवीयता को कैमरे में बंद अपाहिज में दर्शाया गया है। कार्यक्रम को रोचक बनाने और प्रसिद्धि प्राप्त करने का एकमात्र लक्ष्य लेकर दूरदर्शन विशेष प्रकार के दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों से एक है। इसमें एक अपाहिज को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है जिसमें ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तरह उसके निजी जीवन के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे तो क्या आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिज बन आपको दुख देता होगा, आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, समय नहीं है, पर्दे पर वक्त की कीमत है, आपको अपाहिजपन कैसा लगता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछते हुए उसके दिव्यांगों को फोकस करके पर्दे पर दिखाया जाता है। यह सब यह तब तक किया जाता है जब तक कि अपाहिज व्यक्ति की आंखों से अश्रु प्रवाहित ना हो जाए। शारीरिक असमर्थता से पीड़ित व्यक्ति का साक्षात्कार दिखाकर दूरदर्शन चैनल वाले एक ओर तो सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं और दूसरी ओर अपने कार्यक्रम की टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट बढ़ाने का उद्देश्य पूरा करते हैं, जिससे दूरदर्शन कर्मियों की दिव्यांगों के प्रति संवेदनहीनता ही प्रकट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो कविता है वह है हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो क्या आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिज मन तो दुख देता है, आपका अपाहिज मन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। शब्दार्थ समझिए, समर्थ यानी योग, समर्थवान, साधन संपन्न, शक्तिवान,
शक्ति है विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदर्भ प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह के पाठ कैमरे में बंद अपाहिज से अवतरित है। इसके रचयिता रणवीर सहाय बेलोस भाषा के कुशल रचनाकार कवि रघुवीर सहाय ने इस पंक्तियों में टेलीविजन मीडिया की पूर्ण संवेदनहीनता का वर्णन किया है। किस प्रकार से शक्तिशाली लोग दूसरों के दुखों को अपने व्यवसाय के साधन में उपयोग करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में इनका सफल चित्रण किया है। क्या क्या कवि क्या कहता है कि दूरदर्शन वाले एक अपाहिज व्यक्ति को साक्षात्कार के लिए पर्दे पर लाते हैं और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयास में कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए क्या कहते हैं कि हम दूरदर्शन कार्यक्रम के संचालक सक्षम और शक्तिशाली हमें कमजोर शारीरिक अपंगता से ग्रसित व्यक्ति को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उसका साक्षात्कार लेंगे। उससे पूछेंगे कि क्या वास्तव में आप क्या है अपाहिज है तो क्यों है आपको अपाहिज होने से कष्ट होता है क्या आपका कष्ट क्या है जल्दी बताइए। किंतु इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देता और कैमरामैन को निर्देश दिया जाता है तो उसके दिव्यांगों को बड़ा करके दिखाया जाए। अभी पढ़ते हैं। अब इसी जो मैंने आपको पढ़ाया चाहिए कुछ अर्धग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर है कि क्या प्रश्न है अपाहिज को पर्दे पर क्यों बुलाया जाता है। तो सबसे पहले जो प्रश्न है उसका जो उत्तर है कि अपाहिज को पर्दे पर साक्षात्कार देने के लिए बुलाया गया है। हम समर्थ शक्तिवान में हम किसके लिए प्रयुक्त है तो हम समर्थ शक्तिवान में हम दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए प्रस्तुत किया गया है। अपाहिज को पर्दे पर दिखाए जाने का उद्देश्य समाज के असहनीय प्राणियों की भी कैमरे में केंद्रित कर समाज के प्रति दायित्व का निर्वहन करना है और दूसरे अपने कार्यक्रम की औचकता को बढ़ाना है। अपाहिज से पूछे गए प्रश्नों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है तो अपाहिज से पूछे गए प्रश्नों का समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा इससे पत्रकारिता जगत को असंवेदनहीनता दुर्गुणों की भावना से खिलवाड़ उजागर हुई है। कविता के माध्यम से किस पर कटाक्ष की कविता के माध्यम से पत्रकारिता जगत के चंद लोगों पर कटाक्ष किया गया जो अपने कार्यक्रमों या सूचनाओं की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक नैतिकता को दांव पर लगा सकते हैं। कैमरे में बड़ा करके क्या दिखाया जा रहा है क्यों कैमरे में अपाहिज व्यक्ति की अपंगता और उसके चेहरे में होने वाली जो भाव भंगिमा को बड़ा करके दिखाया जाता है जिससे दर्शकों की सहानुभूति अपाहिज के साथ हो और कार्यक्रम क्या हो जाए लोकप्रिय हो जाए। आगे पढ़ते हैं। दूसरा है सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है कैसा यानी कैसा लगता है हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा सोचिए बताइए थोड़ी कोशिश करिए यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको उड़ा देंगे इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। शब्दार्थ विचार यानी संकेत कोशिश यानी प्रयास रोचक यानी मनोरंजक और इंतजार यानी प्रतीक्षा। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया संदर्भ पूर्वत है प्रसंग यहाँ पर बदल जाए। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपंग व्यक्ति से कार्यक्रम प्रस्तोता द्वारा पूछे जाने वाले संवेदनहीन प्रश्नों की चर्चा की। व्याख्या समझिए कवि कहता है कि कार्यक्रम संचालक अपाहिज को अपने दिमाग पर जोर देकर कुछ सोचकर अपने अपाहिज होने का अनुभव बताने को कहते हैं और जब अपाहिज अपने अनुभव बताने में असमर्थ हो या मौन रह जाता तब साक्षात्कारकर्ता स्वयं अपंगता का प्रदर्शन कर इशारे से पूछकर क्या ऐसा उसे बार बार दबाव डालकर बताने को कहा जाता है। अपाहिज के मौन रहने पर उसे एक अच्छा लोकप्रिय होने का अवसर खो देने वाला हवाला देते हैं और कार्यक्रम संचालक कहता है कि उन्हें कार्यक्रम को रोचक और लोकप्रिय बनाना है इसलिए अपाहिज अपने दर्द को पीड़ा को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने बयां करें जिससे कार्यक्रम के साथ साथ वह स्वयं लोकप्रिय हो जाएगा यह उसका सौभाग्य होगा। ऐसा कहता कैमरामैन उस क्षण का इंतजार करता है कि अपाहिज अपनी पीड़ा के साथ साथ लोकप्रियता की खुशी से ही रो पड़े और उसका उद्देश्य क्या हो जाए हो जाए। यहाँ काव्य सौंदर्य मीडिया कर्मियों की संवेदन शैली का शरीर चित्रण है। विकलांग व्यक्ति के प्रति कवि की गहरी संवेदना प्रकट हुई है और कविता में नाटकीयता का गुण दर्शनीय है। भाषा सरल सहज है और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर बहुत बड़ी तस्वीर और उसके ओठों पर एक कसम मसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक
धीरज रखिए, अच्छा धीरज रखिए। देखिए हमें दोनों एक संग उड़ाने हैं, आप और वह दोनों, यानी कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। यहाँ शब्दार्थ पूली सूजी, पूली अर्थात सूजी का पता, छत्कार विनयुक्त भाव, कोशिश प्रयासरत धीरज धैर्य संसार वक्त समय सामाजिक उद्देश्य सामाजिक सरोकार कसर रहना यानी कमी रह जाना। जैसे कि मैंने कहा संदर्भ पूर्वक है प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रघुवीर सहाय ने मीडिया द्वारा एक असहाय विकलांग व्यक्ति के दर्द की उनकी नुमाइश का सजीव चित्रण किया है। साथ ही पर्दे पर वक्त की कीमत यानी काव्यांश के माध्यम से दूरदर्शन पर कवि व्यावसायिकता का विद्रूप चेहरा भी जो है सामने रखा है। व्याख्या समझते हैं। कवि कहता है कि कार्यक्रम के संचालक श्रोताओं को पानी की पीड़ा के अंतर रुदन के कारण इसकी सूजन से बड़ी आंख की तस्वीर दिखाता है। साथ ही इसके ओठों पर वास्तविक पीड़ा की बेचैनी रोने की मुद्रा भंगिमा को बड़े पर्दे पर दिखाकर आश्वस्त होता है कि श्रोताओं का पानी की अपंगता की पीड़ा दिखा पाने में सफल रहा, किंतु पुनः प्रयासरत है उसे दोहराने में। श्रोता को धैर्य रखने को कहता है कि कुछ भी समय में आपके प्रयास से आपको भी रुला देंगे, किंतु कोशिश नाकाम होने पर कैमरामैन को निर्देश देता कि बस करो, हम अपाहिज दर्शक दोनों को एक साथ नहीं रुला पाए, अतः कैमरा बंद करें, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, हम अधिक समय नहीं दे सकते, किंतु अब हम खुश हैं कि हमारा उद्देश्य सामाजिक पीड़ा को प्रसारित करने का कार्यक्रम सफल रहा और थोड़ी सी कसर रह गई, अर्थात दोनों को संगना रुला पाए। काव्य सौंदर्य दूरदर्शन मीडिया कर्मी द्वारा किसी भी कीमत पर अपना व्यवसाय के साथी की बात कही है। विकलांग व्यक्ति की पीड़ा के सीधे प्रसारण को देखने के लिए लगाए दर्शकों की संवेदनहीनता का सही चित्रण किया गया है। कसर रहना मुहावरे का प्रयोग है, उर्दू शब्द युक्त सरल सहज भाषा है। आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई है और आपकी समझ में इसका अर्थ क्या औचित्य है? उत्तर, कैमरे में बंद अपाहिज कविता वास्तव में दूरदर्शन कार्यक्रम में मंच पर दिखाए जाने वाले नाटक को छंदबद्ध काव्य में रचना की गई, जिसमें प्रसारण मंच के दौरान कैमरामैन अपाहिज एवं संचालक कर्मियों से कही जाने वाली बात पर हो रही उसे पोस्टर में रखा गया है, जिससे कविता को पढ़ते समय पाठक को दूरदर्शन मतलब जो उसका जो दृश्यांकन है का दर्शक का ही तरह जैसा स्वागत कर सके, जैसे कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो कैमरा से कहा गया। हम इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा दर्शकों को संबोधित करके, यह अवसर को देंगे पर्दे पर वक्त की कीमत से कहा गया। दूसरा है कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखाटे में छिपी उत्तर की कविता है, विचार कीजिए। उत्तर, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखाटे में छिपी उत्तर की कविता, यह उन्हें संदेश सकते हैं कि पत्रकारिता जगत में समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व निर्वहन करने के लिए हर वर्ग विशेष से लोगों को दूरदर्शन के पर्दे पर स्थान देने के उद्देश्य से अपाहिज से साक्षात्कार का कार्यक्रम आयोजित करके करुणा दिखाई, किंतु साक्षात्कार में पूछने के प्रश्नों का स्तर निकृष्टता ओछापन बेतुका मानवीयता संवेदनहीनता को प्रदर्शित कर रहा था। आप क्या अपाहिज है, आपका अपाहिजपन आपको दुख देता, आपका अपाहिज होकर कैसा लगता है, ऐसे प्रश्न अपाहिज की पीड़ा को उदेरने वाले एवं संवेदनहीन है। साथ ही आप अवसर खो देंगे पर्दे पर वक्त की कीमत है, जैसे वक्तव्य दूरदर्शन की महत्ता और अपाहिज का एहसान करने जैसे लगते हैं, जो एकमात्र एक बनावटी पन है जहाँ करुणा के मुखटे में पूर्णता को जन्म देता है। हम समर्थ शक्तिवान हमें दुर्बल को लाए पंक्ति के माध्यम कभी क्या बन सकता है, अथवा इस पंक्ति के माध्यम से कभी क्या कहना चाहे। उत्तर, हम समर्थ शक्तिवान हमें दुर्बल को लाए पंक्ति के माध्यम से कभी ने मीडिया वाले दूरदर्शन कर्मी कार्यक्रम के संचालक पर व्यंग किया है, अपने मुंबई अमिठू बनने की कहावत को चरितार्थ करने लगे हो, दूरदर्शन वाले स्वयं को समर्थ शक्तिवान बताकर आम जनता के प्रशंसक बन गए, उनकी कृपा से ही लोगों को पर्दे पर स्थान मिल सकता, अन्यथा नहीं, उनके अनुसार अपाहिज व्यक्ति की तुलना में भी अधिक समर्थ और बलवान है, तो दुर्बल अपाहिज की कमजोरियों को उजागर कर उस पर कार्यक्रम बनाकर दर्शक दीर्घा के समक्ष लज्जित करने जैसे प्रश्नों को पूछकर उदेर कर अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता की ओर से ध्यान देना किसी तमाशे से कम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि शरार से यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होता है। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का रोचक कार्यक्रम आयोजित करने और उसको लोकप्रिय होने का उद्देश्य ढूंढूंगा। उसे लोगों की वाहवाही और सहानुभूतियां मिलेंगी। कार्यक्रम लोकप्रिय होने से प्रसिद्धि और मांगी कीमत मिलेगी क्योंकि जिस रस को आधार मानकर कार्यक्रम बनाया जाता है और वही रस साधन दर्शक श्रोता या पाठक को पूरी तरह होता है तभी कार्यक्रम की जो सार्थकता है पूर्ण होती है। और यह हुआ भी अपाहिज की पीड़ा से दुखी होगा, न केवल अपाहिज बल्कि दर्शकों को भी रुलाने का प्रयास किया गया जो मतलब ताकि दर्शक भी क्या हो रुला मतलब रो सके। करुणा रस पर आधारित कार्यक्रम में करुणा का प्रभाव होना आवश्यक था। वादे पर व्यक्ति की कीमत कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा। वादे पर व्यक्ति की कीमत कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति दूरदर्शन वालों के व्यवसायिक नजरिए को रखा। किस नजरिए को? व्यवसायिक, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम के प्रसारण में मिनट के हिसाब से और लोकप्रियता की संभावना के आधार पर कीमत रहती। दूरदर्शन वालों को किसी के दुखदर शोहरत प्रसिद्धि बदनामी आदि से कोई सरोकार मतलब नहीं होता। उन्हें सिर्फ कार्यक्रम की रोचकता लोकप्रियता और उसे बनाने में लगाए गए धन की वसूली हो जाने से मतलब होता है। अतः वे एन कैन प्रकेन अपने कार्यक्रम को प्रसिद्धि दिलाना चाहते हैं। इस प्रकार मैंने आपको इस पाठ को पढ़ाया समझाया। आप इसके जो भी काव्य हैं जो भी कविताएं हैं उनके अर्थों को उनके प्रश्नोत्तरों को लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।